हेलो एवरीवन। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं क्लॉक्स के बारे में। तो दो तरह की क्लॉक्स हम यहाँ एक्सएमएल फाइल में डिजाइन कर सकते हैं। पहली है एनालॉग क्लॉक और दूसरी है हमारी डिजिटल क्लॉक। तो दोनों क्लॉक्स को एक एक करके हम दिखा देते हैं और बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले हम देख लेते हैं एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक बनाने के लिए हम लिखेंगे एनालॉग क्लॉक एंड यहाँ पे रैप कंटेंट ले लेंगे, रैप कंटेंट ले लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद अगर हमको डिजिटल क्लॉक बनानी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिजिटल क्लॉक, हम यहाँ से ले लेंगे रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट एंड हम स्टैक को क्लोज कर देंगे। बस इतना ही था। बेसिकली क्लॉक्स बनाना बहुत ईजी है, एंड्रॉइड में प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं और हमें बहुत अच्छा एक इंटरफेस मिल जाता है क्लॉक्स को दिखाने के लिए। तो बेसिकली हमारी फाइल रन हो चुकी है, देख लेते हैं। सो हमें ऊपर दिख रही है हमारी एनालॉग क्लॉक और नीचे हमारी डिजिटल क्लॉक दिख रही है। और इनमें जो दो टाइम आपको दिख रहे होंगे वो वही टाइम होते हैं जो आपके डिवाइस के टाइम होते हैं। तो मेरे एमुलेटर में 9:02 हो रहे हैं, वही दोनों टाइम मेरे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अगर आपके फोन में टाइम शेड्यूल मैनेज है या सही है तो वही टाइम दिखेंगे आपके इन दोनों क्लॉक्स के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।